एक रूम में बंद करके रखा जहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट किया, बार बार चुन्नी से गला दबाया, चाकू मारे सिर पे गले पे और ईंट से मेरा पूरा पूरा फेस खराब कर दिया और मुझे छोड़ गया। ऐसे आते जाते परेशान करता था, कहता था वारदात कर दूंगा, इसके साथ घटना कर दूंगा, या तो कंप्लेन वापस ले ले, या माँ को मार दूंगा या बेटी को मार दूंगा। तो मुझे इधर से उधर भगाया जाता था थाने में, मेरी बेटी सीरियस थी, फिर भी उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने कोई भी ताना सुनवाई नहीं करा था। उसके पापा चाचा भाई सारे थे, उन सब ने किया मेरे साथ, किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने मारा था, किसी ने बंदूक रखी थी, उसके पापा ने बंदूक रखी थी और उसके ताऊ ने गले पे चाकू रखा था मेरे। आज तक दोषी फरार है, खूब घूम रहा है, पार्टियां कर रहा है, क्या करा पुलिस ने कुछ? अगर पुलिस एक्शन करती तो मेरी बेटी के संग ये घटना नहीं घटती। अगर ढूंढते ना तो मुर्दे को भी जमीन से निकाले थे, पर पुलिस ने अपना काम किया ही नहीं है। मेरी बेटी को ज्यादा से ज्यादा इंसाफ दो, मेरी बेटी को मार डालेगा अगर उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, वो बहुत आसानी से पावरफुल बन के छूटता है। आखिर राजधानी दिल्ली में महिलाएं कब तक असुरक्षित रहेंगी? महिलाओं के खिलाफ हो रहे जुर्म पर कब लगाम लगेगी? ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक मामला जो है वो दिल्ली के रघुवीर नगर से सामने आया है, जहां पर एक लड़की के पड़ोसी ने उसके साथ जबरदस्ती शादी की, फिर चाकू की नोक पर उससे दुष्कर्म किया और फिर जब लड़की ने इसका विरोध जताया तो लड़के ने जो है चाकू से लड़की पर वार कर दिया। अब हैरानी की बात यह है कि आरोपी ने पहले लड़की के साथ गलत किया, फिर उसके बाप ने लड़की के साथ गलत किया, फिर उसके मामा ने लड़की के साथ गलत किया, तो पूरा पूरा गैंग रेप जो है लड़की के साथ किया गया। अभी वो लड़की हमारे साथ मौजूद है और हमारे चैनल के ज़रिए अपने खिलाफ हो रहे अपराध पर वो आवाज़ उठाएगी। चलिए उस लड़की से बातचीत करते हैं और पूरे मामले को जानते हैं। तो आपके साथ क्या हुआ था, कैसे ये कंडीशन कैसे हुई आप? एक लड़का है, काफ़ी टाइम से परेशान करता, कंप्लेंट दे रखी, उस बेस पे उसने मेरे साथ ये किया। 16 तारीख को मेरे घर के बाहर आता है, मुझे बोलते कि नीचे आया तो मैं ऊपर आता हूँ। मैंने जैसे ही गेट खोला वो गेट के बाहर ही खड़ा था, पूरा खूनम खान था, ऑलरेडी किसी के मार के आया हुआ था, किसी का मर्डर करके आया हुआ था। मुझसे बोलता है मैं तेरे को मेरे साथ चल वरना तेरे को यहीं मार के जाऊँगा। ज़बरदस्ती मेरे गले पे चाकू रख के मुझे ले गया अपने साथ, फिर उसके बाद उसने मेरे को रास्ते पे मारा पीटा, एक रूम में बंद करके रखा जहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट किया बार बार, हैवान की तरह, जानवरों की तरह। उसके बाद उसने मुझे फिर मारा, मैंने चिल्लाया तो मुझे किसी ने हेल्प नहीं दी, मुझसे झूठ पर सेक्सुअल असॉल्ट किया था। रूम का मुझे लोकेशन नहीं पता क्योंकि मैं जब गई थी तो मैं बेहोश हालत में थी। तो उसने आपको पहले बेहोश किया फिर लेके गया? हाँ जी मैम, मुझे वो बेहोश करके ले गया था। फिर उसके बाद 16-17 की रात को मुझे एक पार्क में मिला, पार्क में ले गया ज़बरदस्ती कि चल चल तुझे ब्लडिंग हो रही है, मैं तुझे हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, झूठ बोल के मुझे वहाँ पार्क में बिठा के चुन्नी से गला दबाया, चाकू मारे सिर पे गले पे और ईंट से मेरा पूरा पूरा फेस ख़राब कर दिया और मुझे छोड़ गया ऐसे। वो पहले तो एसिड ढूंढ रहा था, उसे एसिड नहीं मिला, उस चक्कर से उसने चाकू से वार किया। कब से आपके पीछे पड़ा था? काफ़ी टाइम से मेरे पीछे पड़ा है वो। क्या स्कूल टाइम से वो आपके पीछे पड़ा है? हाँ जी मैम, वो स्कूल टाइम से मेरे पीछे पड़ा है। क्यों वो ऐसा कर रहा था, क्या वो आपको पसंद करता था? मैम वो तो उस जब वो मिलेगा उससे खुद को पूछ लेना कि वो क्यों कर रहा है मेरे साथ, मैंने ऐसा क्या ही बिगाड़ा था उसका जो उसने मेरे साथ ये करा। क्या वो आपके साथ और भी किसी लड़की को परेशान करता था? लड़कियों को तो वो सबको परेशान करता था आते जाते, पर मेरे साथ पता नहीं इतना ज़्यादा क्यों, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। आरोपी का नाम क्या है? गौतम नाम है उसका, गौतम भोग सासी। तो उसकी उम्र क्या थी जो इसने ये रेप ये कंडीशन करी? तो वो 20 साल का, वैसे वो 16-17 साल से मेरे पीछे पड़ा जब उसकी एज है 16। काफी समय से आपके पीछे पड़ा है? हाँ जी। तो आपको जान से मारने की कोशिश क्यों कर रहा है? मैम वो तो उससे मिलेंगे तभी पता चलेगा कि वो मैंने ऐसा क्या ही करा था। कंप्लेंट लगाई थी, थाने वालों ने कोई सुनवाई नहीं करी, मेरी बेटी को कहीं से कोई न्याय नहीं मिला। और आते जाते परेशान करता था, कहता था वारदात कर दूंगा, इसके साथ घटना कर दूंगा, या तो कंप्लेंट वापस ले ले, या माँ को मार दूंगा या बेटी को मार दूंगा। एक दिन 16 तारीख को लड़की को चाकू दिखा के गले पे ले गया। उस कंडीशन में मैं इधर उधर भागी मदद के लिए, कोई मेरी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। पहले भी लड़की के साथ गलत कर चुका है? पहले भी गलत कर चुका है, मैंने पुलिस वालों से भी बहुत मदद मांगी,
किडनैपिंग केस को उन्होंने मिसिंग कर दिया। मेरी कई भी किसी थाने ने मेरी कोई मदद नहीं करी। मैं इधर से उधर, मुझे इधर से उधर भगाया जाता है थाने में। मेरी बेटी सीरियस थी, फिर भी उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने कोई भी थाना सुनवाई नहीं करा था। इनसे शादी भी की थी जबरदस्ती? जबरदस्ती शादी बनाई रेप से बचने के लिए। ये मतलब इससे पहले कर चुका है, वो कब किया था? वो 26 फाफ को। हाँ जी, मेरे घर पे कोई भी नहीं था। 1:30 बजे के टाइम वो घर के बाहर आता है, पहले तो डोरबेल बजाता है। मैंने गेट नहीं खोला, मुझे मैंने देख लिया था कि वो लड़का आया। फिर उसने ज़बरदस्ती बोला गेट खोल, वरना उसने 2-3 बार गेट पे लात भी मारी थी। तो मैंने डर के मारे गेट खोल दिया। उसके पास तब भी चाकू था, वो 24 घंटे अपने पास चाकू रखता। वो क्या गैंग रेप हुआ था आपके साथ? वो शादी जब उससे अपने पापा के, उसने अपने पापा को बोला कि पापा मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, तो उसके पापा ने बोला कि तू लड़की से शादी कर ले वरना तू कंप्लेंट कर देगी तेरे नाम की, तुझे अरेस्ट करवा देगी रेप केस में। उसने बोला ठीक है पापा। उसने अपने पापा के बोलने पे शादी तो कर ली, बट शादी भी कोई वैलिड नहीं थी, ना तो उसकी एज थी। उसने झूठे फ्रॉड से शादी करी, पैसे खिला के कोर्ट के पीछे जाके आर्य समाज मंदिर में। और फिर रात को उसके पापा आ गए थे, उसके पापा चाचा भाई सारे थे, उन सब ने किया मेरे साथ। उन सब ने किया था? हाँ जी, किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने मारा था, किसी ने बंदूक रखी थी, उसके पापा ने बंदूक रखी थी, और उसके ताऊ ने गले पे चाकू रखा था मेरे, और मुझसे बोला तेरे को जैसे जैसे बोलेंगे तुझे वैसा करना पड़ेगा, नहीं तो तेरे को यहीं मार देंगे हम। आप कह रहे थे कि आपको घर से उठाया गया था? हाँ जी। उस वक्त घर में कोई नहीं था? नहीं, मेरे घर पे उस टाइम कोई नहीं था। किसी ने देखा हो? मैम अगर कोई देखता तो मैं जैसे चिल्लाई थी कोई हेल्प भी करता मेरी, बट उस टाइम पे कोई नहीं था। क्या बोलकर वो ले गया था? बोल के कुछ नहीं ले गया, बस चाकू रखता है, चाकू की नोक पे मुझे जब मर्जी जहाँ मर्जी रोड पे देख के वही मार पीटता है। किसी पड़ोसी ने नहीं देखा ले जाते हुए? नो मैम, पड़ोसी ने नहीं देखा। उस टाइम लॉक लगा था साथ वालों के घर पे। कब से परेशान कर रहा है ये? 26 तारीख से परेशान कर रहा है। जब मैंने स्कूल टाइम पे स्कूल भी छुड़वा दिया मैंने अपनी बेटी का, इसी वजह से कि वो अपने सांसी समाज में बहुत ज़्यादा पंच बनता है, कहता है क्या कर लेगी ये क्या कर लेगी मेरा, जो मेरी तो जेब में पुलिस वाले रहते हैं, मैं तो जहाँ पैसा फेंकूँगा वहाँ मेरा सब खड़े हो जाएंगे, मगर तेरे साथ कौन है, तेरे साथ तेरे अपने भी नहीं खड़े होंगे। इस तरीके से धमकियाँ देता था मेरे को। जैसे बच्ची ने कहा कि बाप भी इसमें इन्वॉल्व था, फिर उनका बाकी परिवार वाले भी? जब मेरी बेटी को किडनैप करके जब मैंने कंप्लेन डाली किडनैपिंग की, तो उसके फादर पहले ही से वहाँ मौजूद थे, ले आके थाने में रेप करके इस लड़की को वहाँ पेश कर दिया। एक करके मतलब गैंग रेप किया गया? हाँ, 5 गाड़ियाँ भर के गई थी, और 5 गाड़ियों में सारे इसके रिश्तेदार थे, सारे उन्हें रेप करा। तो पुलिस को ये चीज़ आपने बताई कि गैंग रेप हुआ है लड़की? नहीं माना पुलिस वालों ने। मैंने बोला, बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला, पर पुलिस वालों ने पहले पैसा खा था इसलिए उन्होंने कुछ नहीं सुनवाई करी मेरी। और साथ ही साथ आपके प्राइवेट पार्ट को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई थी? हाँ जी। ये आपकी आँख पर किस चीज़ से वार किया गया था? नाइफ से, चाकू से मारा, फिर उसका पत्थर से खराब करा मार के। जब आपके साथ जोर ज़बरदस्ती वो कर रहा था तभी उसके बाद उसने हमला किया है? हाँ जी। तो आपके चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की थी? मैंने चिल्लाया तो उसने पहले दीवार पे मेरे सर मारा, मुझे पहले खून दीवारों पे मारा, टक्करे मारी, फिर उसके बाद उसने अपनी जेब से चाकू निकाला, नाइफ, उसने टाकू कौन सी जगह पे आप पे अटैक किया गया था? मैम रूम की तो मुझे लोकेशन नहीं पता, बट मुझे पार्क की पता। एमएलसी कटने के बाद ही मेरी कोई भी सुनवाई, कोई कहीं थाना नहीं करा। अभी तक वो दोषी अपने घर में दारू और नशे की चीज़ें बेच रहा है और आराम से रह रहा है, उसकी बीवी बच्चे सब। अभी तक कोई किसी ने अरेस्ट किया पुलिस नहीं किया उसको अरेस्ट, कोई भी थाना अरेस्ट नहीं करता। कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं चल रही है मेरी तो। मेरी बेटी को इंसाफ कहीं से नहीं मिल रहा और वो अपने घर में आके आसानी से रह रहा है। इतनी वारदात करने के बाद भी एमएलसी कटी हुई है। फिर किडनैप करके कहाँ ले गए थे? किडनैप करके तिलोकपुरी में ले गए थे। जो आप पर अटैक हुआ था वो किस जगह पर हुआ था? मैम पश्चिम विहार पार्क में हुआ, ईस्ट मेट्रो स्टेशन के आगे जाके एक पार्क है बहुत बड़ा, उसी पार्क में उसने मुझे मारा। अभी तक आप कितने थानों के चक्कर काट चुके हैं? 4 से 5, बट किसी ने कोई हेल्प नहीं करी मेरी। 4 से 5 थानों पर? DCP जनकपुरी के अभी गई थी मैं पहले, मेरी बेटी ने 3 महीने पहले कंप्लेंट डाली हुई थी कि मेरे को ज़बरदस्ती किडनैप करके मेरे साथ रेप करा इन्होंने और शादी ज़बरदस्ती बना ली, फिर भी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। खैला थाना में भेज दिया इधर से उधर उधर से उधर। फिर 3 महीने मैंने जब केस डाल दिया तो मेरी बेटी को धमकियाँ देता था, या केस वापस ले लें या तेरी माँ को या तेरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा। पश्चिम बिहार थाने में 16 तारीख को लेके गया यहाँ से किडनैप करके।
चक्कू गले पर रख के चीरता हुआ ले गया यहाँ से ही। जब सुबह का टाइम था, सुबह लोग बाग सोए होते हैं, इतनी किसी को सुनवाई नहीं दी, चिल्लाई भी चीखी भी है, कोई भी किसी ने कोई मदद नहीं करी। ले आके 17 तारीख को किसी कमरे में रेप करा और उसको मार के किसी पास। कितने थाने में? 2 थाने में। मैंने पहले खैला थाने में से, उन्होंने कहते तुम्हारा केस यहाँ नहीं लगता है, तुम जाओ पश्चिम बिहार ईस्ट में, ये थाने में इधर से उधर उधर से इधर घुमरा कर रहे थे। कोई भी मेरी थाने वाले सुनवाई नहीं कर रहे थे। आज तक दोषी फरार है, खूब घूम रहा है, पार्टियाँ कर रहा है। क्या करा पुलिस ने कुछ? अगर पुलिस एक्शन करती तो मेरी बेटी के संग ये घटना नहीं घटती। 3 महीने पहले अगर पुलिस कार्रवाई करती तो ये वारदात नहीं होती। सोची समझी प्लानिंग थी उनकी, पुलिस वालों की, जब भी उन्होंने वारदात के लिए मौका दे दिया। 2 थाने 2 डिस्ट्रिक्ट 2 DCP, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अभी DCP के पास तो मेरे पास, अब मुझे इस थाने ने उन्होंने थाने वालों ने भेजा है, जनकपुरी वालों ने, कि तुम्हारा केस वहाँ दर्ज हुआ है, वहाँ जाओ, वहाँ जाके DCP से बोलो जाके। DCP ने, मैं DCP की यहाँ भी गई, उन्होंने फ़ोन भी किया कि अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए। अभी तक कोई दोषी अरेस्ट नहीं है, अपने घर में आके खूब काम कर रहे हैं, सट्टे लिख रहे हैं और खूब दारूआँ बेच रहे हैं, गांजा बेच रहे हैं, कोई भी एक्शन नहीं लिया पुलिस वालों ने। अभी तक दोषी अपने घर में बैठा हुआ है, खूब पार्टियाँ मना रहा है, कोई भी कोई सुनवाई नहीं कर रही। पुलिस को हम कहते हैं, फ़ोन करते हैं तो कहती है हमें बताओ, हम जाएंगे पकड़ने के लिए। अभी तक पुलिस नहीं आई उसके यहाँ, एक बार भी पूछने नहीं आई, ना इधर ना उधर, ना उसे अगर ढूंढते ना तो मुर्दे को भी जमीन से निकाले थे, पर पुलिस ने अपना काम किया ही नहीं है सही तरीके से। मैं अपनी आईओ को बदलवाना चाहती हूँ, नीतू है मेरी इस केस की आईओ। आप लड़की की बहन है? हाँ जी, मैं लड़की। आपको भी धमकी वगैरह? हाँ जी, हमें भी बहुत धमकी के कॉल्स आते हैं, धमकाया जाता है कि ये अगर हमारा पीछा किया जाता है, हम जॉब करने जाते हैं तो हमारा पीछा किया जाता है, नोन नंबर से कॉल्स आती है धमकी वाली। कॉल्स वगैरह की डिटेल्स कहाँ से? हमने मैम को दी, आईओ मैम को दी और हमारी महिला मंडल में रिपोर्ट दी, जिस नंबर से कॉल आई थी तो उन मैम ने कोई सपोर्ट। आरोपी के पास आपके कॉन्टैक्ट? पता नहीं मैम कहाँ से आए आरोपी के पास, हमें आईडियो क्या करता, वीडियोस फोटोज़ को ब्लैकमेल करता था कि हम ये ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, तुम्हारे साथ भाई की धमकी देता था कि भाई को जान से मार दूंगा, गोली से मार दूंगा। प्राइवेट फोटोज़ वगैरह को लेकर भी वो? हाँ जी मैम, हाँ जी हाँ जी, बहुत बार, और अभी भी वारदात होने के बाद भी उसका कॉल आया है धमकी भरे से कि मान्या को बोल दो कि वो किसी और की ना हो जाए, इस तरीके से मैम। आपको कॉल कर? हाँ जी हाँ जी, मेरे पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग है। मैं घुस के, अब तो उस वो बच गई है, अब तो छोड़ूंगा अभी नहीं, गोली से मार के जाऊंगा उसको। ऐसे घर में मेरे पास पड़ोस में कोई भी नहीं है रहने वाला, वो जब मर्जी आ जाएगा 20-25 की भीड़ लेके, मैं कहीं की नहीं रह जाऊंगी। मेरी बेटी को धमकी देता, मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए, मेरी बेटी को इंसाफ दो, चाकू से मार दूंगा। भाई बहन हम 4 भाई बहन है। आपके भाई को भी, छोटे भाई को? हाँ, छोटे भाई को धमकियों वाले कॉल्स आते हैं कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तेरी बहन के साथ ये कर दूंगा, तेरी बहन के साथ वो कर दूंगा, इस तरीके से। कॉल रिकॉर्डिंग्स जो आपने पुलिस को दिखाई हो? जी मैम, हमने महिला मंडल में भी कॉल रिकॉर्डिंग्स दी थी तो अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिला, बट डेली कॉल्स आती हैं, स्टार्टिंग से डे 1 से ही पूछा जाता है क्या कैसे हुआ क्या कैसे हुआ, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है मैम। पुलिस को क्या लड़की कंडीशन नहीं दिख रही जो अभी तक कोई एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले नहीं लिया? मेरी बेटी को कहीं से कोई न्याय नहीं मिल रहा, मैं चाहती मेरी बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा इंसाफ मिले, और दोषी अभी भी अपने घर में बैठा हुआ है, कोई भी पुलिस नहीं कार्रवाई कर रही कोई ढंग से तरीके से, और इस यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ भगाते फिरते हैं मुझे, मार के पीट के मेरी बेटी से ज़बरदस्ती सहन लिए जाते हैं अपने खिलाफ अपने अनुसार, वो पुलिस के द्वारा, पुलिस द्वारा, पुलिस अपने तरीके से। काउंसलिंग रूम में मैम ने बुलाया? कौन सी मैम? मैम का नाम याद नहीं है। काउंसलिंग रूम में मैम ने बुलाया, पूछा इनसे क्या हुआ कैसे हुआ, इसने कुछ और बताया, मैम ने कुछ और लिखा एप्लीकेशन में, मतलब कुछ और लिखवाया कंप्लेंट? जी जी, मैनिपुलेशन करके कुछ और अपने वर्ड्स में लिखा मैम ने हमारी FIR को। पुलिस वालों को लड़की की कंडीशन नहीं दिखी? उनको नहीं दिख रहा, और ना ही वो कोई रिएक्शन ले रहे हैं ना कोई सुन रहे हैं। आज 1 महीना होने जा रहा है, 6 दिन बाद 1 महीना हो जाएगा, इन्होंने कोई भी, मतलब ऐसे इतनी बड़ी वारदात हुई है तो उनको करना चाहिए, कोई रिएक्शन लेना चाहिए, कुछ भी। बड़ी वारदात हुई है, जान से मारने की कोशिश की गई है, कॉल्स भी आई है मैम, अपने भी अभी 5 दिन पहले में कॉल्स आई है, रिकॉर्डिंग है प्रॉपर, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं। पुलिस तरफ से कहा क्या जा रहा है? पुलिस की तरफ से ये किया जा रहा है, पहले वो शादी अनमैरिड थी, पहले वो इनवैलिड थी कि उसकी लड़की की एज नहीं थी, और सर्टिफिकेट में भी बकायदा दोनों नाबालिग मैरिड ले, और लेकिन अब जब कोई केस पूरा क्रिएट हो गया तो मैम अब वो शादी वैलिड हो जा रही है। ऐसे कैसे? वो अपने बचाव के लिए शादी को मायने रखता है, पहले कहता है कोई शादी वैलिड है, ये ऐसे ये खेल खिलौना समझ के इसको डराता था, धमकाता था, कहता है जैसे जैसे मैं बोलूंगा ना वैसे वैसे करें ना, नहीं तो तेरे घर को पूरे को मार दूंगा। हमारे आते जाते रास्ता रोकना, हम जॉब पे जाते हमारा पीछा कर, आपका भी पीछा? हाँ जी हाँ जी, मेरा भी पीछा करता है, कॉल्स करता है, रैंडम कॉल्स करता है, धमकी वाले कॉल्स करता है, मम्मी को मारने की धमकियाँ देता है। चाहता क्या था? वो पीछा करता था।
पता नहीं वो क्या चाहते हैं, क्यों हमने हमने आगे से आगे तुम ना बढ़ो केस केस के लिए आगे से अपना घर भी चेंज कर लिया कि आगे बात ना पड़े। हम नहीं चाहते कि ये सब चीन क्रिएट हो। हम पहले कहीं और रघुबीर नगर रहते थे, अब हम ट्रांसफर हो गए NW में। अब स्कूल वगैरह भी, हाँ जी स्कूल वगैरह छुड़वा दिया, जॉब छुड़वा दी, घर बिठा दिया लड़की को, फिर भी घर में आके वारदात करके गया है। वो युवक कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड से था? जी मैम सारे क्रिमिनल है, वो यही करते हैं सब परिवार में। हाँ जी मैम यही करते हैं, परिवार से पूछताछ? जी मैम किसी से कुछ नहीं हुआ, सब भाग गए थे। पता नहीं आप पुलिस वालों ने परिवार से पूछताछ, अपने घर में आके रह रहा है मैडम, अपने घर में पे भी पुलिस नहीं आ रही, खुलेआम घूम रहे, खुलेआम घूम रहे, खुलेआम धमकी दे रहा, कह रहा क्या कर लिया उन लोगों की पुलिस ने, क्या कर लिया उन्होंने। वो आरोपी जो सोशल मीडिया पे मजे से वीडियो भी बना रहा है। जी मैम घूमने भी गया है ऋषिकेश वगैरह उनका बेटा, वीडियोस डाल रहे हैं। और पुलिस वालों ने हमें स्टॉक करते हैं, जगह से स्टॉक करते हैं हमें, अभी भी स्टॉक किया जा रहा है। हाँ जी कल ही उनकी इंस्टाग्राम वगैरह पे IDs वगैरह ये स्टॉक करते हैं। पुलिस वालों को ये सब नहीं दिखा? नहीं मैम नहीं दिखा, अभी तक हमारे सपोर्ट में है ही नहीं। क्या मांगे आप? हमने यही मांगा है कि जो उसके साथ हुआ है, इफ़ अगर वो 3 महीने पहले कुछ एक्शन लेते, वो शादी को इनवैलिड उन्होंने कर दिया, तो उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन तो लेते जो आज ये सीन नहीं होता मेरी बहन के साथ। अब वो शादी इनवैलिड क्या, पहले वो इनवैलिड थी 3 महीने पहले, अब जब हम इंसाफ मांग रहे हैं हमें सपोर्ट चाहिए, तो अब वो शादी वैलिड हो गई, कैसे पॉसिबल है मैम? मेरी बेटी को ज्यादा से ज्यादा इंसाफ दो, मेरी बेटी को मार डालेगा अगर उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। वो बहुत आसानी से पावरफुल बन के छूटता है हर चीज से, अपने घर में बैठ के आराम से, पुलिस कोई भी अपना कार्य नहीं कर रही। मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए, मेरी बेटी को मार डालेगा वो, बचा लो मेरी बेटी को। क्या कहेंगे? मेरे साथ जो वो आगे किसी और के साथ ना हो, बस मैं यही चाहती हूँ, इंसाफ चाहिए। मेरी फैमिली है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए मुझे पुलिस से। अगर तू घर से बाहर निकल या किसी और के साथ कहीं दिखी तो तेरे ऊपर एसिड डाल दिया जाएगा इस तरीके से। मैम मेरी बेटी के ट्रॉमा सेंटर में इतनी सीरियस थी, जब भी पुलिस ने अपना काम नहीं किया, मेरी बेटी के लिए कोई इंसाफ कहीं से नहीं मिल रहा। मुझे इस थाने से उस थाने, उस थाने से इस थाने भगाते फिरते हैं। इस कंडीशन में अपनी मेरी बेटी को जबरन उठा के ले जाते हैं और कहते हैं वारदात के लिए जगह दिखा। बहुत मेरे घर वाले मारते हैं और कहते हैं हॉस्पिटल का रेस्ट बोला है, और तभी भी वो कहते हैं हमारे साथ गाड़ी में बैठ के चलो, हमें बताओ कैसे क्या स्टार्टिंग से हुआ था, कैसे क्या सीन हुआ था। मुझे रात के 9:30 बजे थाने वाले केला थाने पश्चिम बिहार ईस्ट वाले ले गए 9:30 बजे। मेरी बेटी इतनी सीरियस थी उस टाइम पे, इसने अपने दम तोड़ दिए होते इस टाइम पे। हमें रात को 1 बजे छोड़ा उन्होंने, धमकाया डांटा और मारा पीटे करा मेरे घर वाले के संग, और सैन पे सैन करवाए जा रहे, अपने अनुसार अपने आप कंप्लेंट लिखे जा रहे, और सैन कह रहे नहीं लिखता है, बताऊँ अभी तेरी औरत को बताऊँ। ऐसे राजेश आइयो वहाँ का पश्चिम बिहार का, वो बोलता है मेरे घर वाले ने डर के मारे इस कंडीशन में, इस हालत में इसको लेके गए आज रात के 1 बजे छोड़ा उन्होंने, 9:30 बजे ले गए। कोई कानून बनता है 9:30 बजे ऐसी हालत में से ले आने का? अगर आते तो दिन में आते, रात को क्यों आए? रात को वो सारे गुना छुपाने के लिए आए, इसीलिए पुलिस वालों ने रात को 1 बजे तक हमें वहाँ रोक के रखा गाड़ी के अंदर। लड़की आपको कब मिली थी? लड़की मेरे को 17 की रात, उसी दिन 17 की रात को। तो जब आप पर अटैक किया हुआ था, आप बचाव पर कैसे आए, मतलब बचकर कैसे? मुझे किसी ने राह चलते ने हेल्प करी, उन्होंने मुझे होश में लाया, पानी पिलाया, उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हो, मुझे इतना नहीं था, एक फ़ोन था उनको नंबर बताया उन्होंने, फिर मेरे मम्मा को कॉल, दादी को कॉल करा, दादी ने मेरी मम्मा को भेजा मेरे पास। 3 बजे कॉल आया था? 3 बजे कॉल आया, मेरी बेटी की हालत देख के मुझे देखे ही नहीं गए उस टाइम, ये अपने आप की मौत और ज़िंदगी की सांसें गिन रही थी। मैं दीनदयाल हॉस्पिटल में लेके गई, पुलिस था डॉक्टर, पुलिस वालों को पुलिस केस के चक्कर से बुला रहे थे, वो आ ही नहीं रहे थे। वो डॉक्टर भी कहने लगे अगर नहीं आओगे तो हम ऊपर से ऊपर आपके लिए लिखत में देंगे कि आप कोई अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। तब जाके एक पुलिस वाला खैला थाना से आया, तब उन्होंने आईओ राजेश को भेजा पश्चिम बिहार से के वारदात वहाँ हुई है, वहाँ का थाना लगता है। जब जाके मेरी बेटी की दवाई गोली जब लगाई गई, और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों ने हेल्प करी, वहाँ के
दीनदयाल हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने सारी टीम अपने अपने इसकी मौत और ज़िंदगी के बीच में जो झूल रही थी सारे डॉक्टरों ने लिख के दिया कि पुलिस कोई भी कार्य नहीं कर रही अपने तरीके से। अपने घर में बैठा हुआ है आराम से, उसके माँ बाप और आराम से रह रहे हैं, खूब उनका धंधा चल रहा है, खूब दारुआ बिक रही है, कोई भी मेरे को कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही। अभी भी 13 तारीख की लगाई हुई है उसने, वो एंटी सेंडिंग बेल मांग रहा है, जब दोषी पकड़े ही नहीं गए उसे बेल नहीं दी जाए, नहीं तो वो मेरे और मेरे परिवार को ख़त्म कर देगा, वो कहीं का नहीं छोड़ेगा। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इंसाफ चाहिए, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए मेरे यार बच्चे के लिए। मेरे कोई भी पुलिस अपना कार्य नहीं कर रही, मुझे आगे मेरी बेटी को कोई जानलेवा कोई हमला कर दे फिर मैं कहाँ जाऊँगी, किस थाने में जाऊँगी, मुझे ये चीज़ नहीं पता। सुनने में आया कि एंटीसेप्टिक बेल भी लगाई हुई है। बेल लगाई हुई है उसने दोषी ने 13 तारीख की, और कहता है कि अब मैं बाहर बैठा हुआ ना पैसे भर के बैठा हुआ, वो बार बार यही बात कहता है, पैसा पैसा करता है वो जगह जगह, हमें सब जगह की मार दे रहा है वो, मेरे बेटी और मेरे परिवार को कभी भी आके वो मार जाएगा, उसको कहीं से भी कोई बेल ना मिली जाए, मेरे को न्याय मिला जाए मेरी बेटी के लिए। इनका गैंग रेप हो तो कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे? इसके चाचा और बिक्की गौतम का फादर, उसके चाचा चार ऋषि जॉनी और सोनी और बड़ा पापा उसका। कितने लोग थे? पाँच से छः लोग थे जी। तो सारे आरोपी के परिवार के थे? हाँ जी, उसके बड़े पापा थे सोनी, गौतम के पापा विक्की, गौतम, गौतम के भाई साहिल, ऋषि, जॉनी, सारे थे। तो पुलिस ने इनमें से किसी को भी नहीं पकड़ा अभी तक? अभी तक किसी को कोई अरेस्ट नहीं किया, बस पुलिस ने यही बोला। सारे के सारे घर में? जी मैम, सारे के सारे अपने घर में आके रह रहे हैं, सब पहले अलग अलग रहते थे, जब ये केस हुआ सब अपने घर में ताला लगा के चले गए, फिर पुलिस वालों से बातचीत की, पुलिस में अपना जो भी है उन्होंने प्रोसेस किया, और उसके बाद से वो अपने घर में आके रह रहे हैं, और हमारे आगे ये सब बोलते हैं कि तुम तो हमारा कुछ कर ही नहीं पाए। और मैम ये भी होता है अगर हम जेल चले गए तो तुम्हारे साथ क्या होगा, ये भी धमकी आती है, अगर हम जेल चले गए तो हम जेल से आएंगे नहीं क्या, उसके बाद क्या होगा तुम्हारे साथ। यहाँ आपने देखा कैसे एक सनकी आदमी ने पहले लड़की के साथ ज़बरदस्ती शादी की, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर उसका चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की। हैरानी की बात यह है कि आरोपी और आरोपी का पूरा परिवार जो था इसमें इन्वॉल्व था, उसका बाप, उसका चाचा, चाचा के बेटे, साथी ताऊ, करीबन 5 से 6 लोग जो थे इस गैंग रेप में इन्वॉल्व थे। और हैरानी की बात यह है कि ख्याला में जो था वो लड़की के साथ ज़बरदस्ती हुई, फिर पश्चिम विहार ईस्ट में जो है लड़की को, लड़की पर घातक हमले हुए। तो यानी कि 2 थाने, 2 डिस्ट्रिक्ट, 2 DCP इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी, अभी तक परिवार को न्याय नहीं मिला। अब परिवार वालों का ये कहना है कि पुलिस जो है कार्रवाई करे और इनको न्याय मिले, और हम भी आशा करते हैं कि बच्ची को न्याय मिले। अब ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।